मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं, तुलसी हेल्थ केयर से बात कर रहा हूं। आज मैं स्किज़ोफ्रेनिया और उसकी दवाइयों के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे डिफरेंट वीडियोस को मेंटल हेल्थ के बारे में देखिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को बेटर करिए। इस वीडियो से पहले भी आप स्किज़ोफ्रेनिया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियो हैं वो वॉच कर सकते हैं और उससे ये वीडियो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में आदमी भ्रमित हो जाता है और वो अपनी अलग दुनिया बना लेता है, जिसको एक आम तौर पर स्प्लिट पर्सनैलिटी भी देखते हैं। ओवर द टाइम ये माना जा रहा है कि ये इनमें कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे डोपामीन का इम्बैलेंस, जैसे सिरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ डेफिशिएंसी होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। नाउ हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर में काम करती हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर केवल थॉट प्रोसेस को ही नहीं कंट्रोल करते हैं, केवल विचारों को ही नहीं डील करते हैं बट और भी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे डोपामीन हमारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करता है, डोपामीन हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है और डोपामीन हमारे सेक्सुअल ड्राइव को, प्रोलैक्टिन एक्सेस को भी कंट्रोल करता है। सो जब हम डोपामीन को कंट्रोल करने की या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं या डोपामीन को हम ब्रेन में कम करने की कोशिश करते हैं तो इन चीज़ों में गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आमतौर से इस तरह की दवाइयों के साथ में हम लोग देखते हैं कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, पार्किंसन जैसे लक्षण आने लगते हैं, कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट से मिल्क आने लगता है प्रोलैक्टिन एक्सेस की डेफिशिएंसी, एज वेल एज मैन में सेक्स की ड्राइव थोड़ी कम हो जाती है। नाउ ये सारे साइड इफेक्ट नॉर्मली शुरू में ज़्यादा देखे जाते हैं और धीमे धीमे विद टाइम ये रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त करके भी हमें ये दवाइयों का इलाज चालू रखने की ज़रूरत है। विद टाइम हमारे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि जिसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट से हम अपना आप को बचा सकते हैं। जैसे कि पुरानी दवाइयाँ थीं उनसे इस तरह के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे, मगर जो नई वाली दवाइयाँ हैं उनसे वो साइड इफ़ेक्ट ना हो के वेट या मेटाबॉलिक एक्सेस पे जो डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम आ जाती है उस तरह के ज़्यादा होने लगते हैं। इन हालात में देखो दवाइयाँ ज़रूरी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज ज़रूरी है, साइड इफ़ेक्ट उसका एक साथ में दवाइयों के साथ में जुड़ा हुआ प्रभाव है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि आपको साइड इफेक्ट, और अगर आप डॉक्टर से खुल के ये बातें करोगे तो वो आपको अच्छे से समझा पाएगा, और अगर कोई ऐसे साइड इफेक्ट होंगे तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उन साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी कोशिश करेगा। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ और हम लोग तुलसी हेल्थ केयर करके मेंटल हेल्थ पे चैनल रन कर रहे हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे वो इस जानकारी को ढंग से यूज़ कर सके। थैंक यू।